ভিডিও করা ভালো না। আজকের ভিডিওটা আপনারা ফুল দেখবেন, ফুল দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কি যখন মানুষরা ভাইরাল হয়ে যায় না তখন কি করে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায়। দোস্ত আজ মে আই হাবড়া, হাবড়া জ্যোতিদিকা যে शॉप है वहाँ पे, और आज सारा दिन मैं यहीं पे शूट करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है कहाँ कहाँ मैं शूट करती हूँ, सबसे बातें करती हूँ और क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमाया और आप देख रहे हैं अमाया शर्मा ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हम लोग हाबड़ा स्टेशन से शुरू करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं हाबड़ा स्टेशन पर कैसे जो है सारा टाइम बिताने वाली हूँ आज, सारे वायरल प्लेस पर जाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है इस पे। तो फ्रेंड्स अभी फेसबुक खोलो और यूट्यूब खोलो तो आपको जो है हाबड़ा स्टेशन बहुत ही ज़्यादा आता है ट्रेंडिंग पे, और यहाँ का जैसे फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बोला जाए तो वायरल है। ठीक है अभी, और मैं भी आज आई हूँ बहुत टाइम के बाद, ये हमारे घर से बहुत दूर है। ठीक है, तो मैं फाइनली आई हूँ। आपने बहुत तो लोगों को देखा होगा भाई या इस वीडियो को बनाते हुए, बहुत टाइम हो गया, तीन या चार मंथ हुए लगभग। जो फूड कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादातर वायरल हुए हैं, तो चलो अभी आज मैं उन लोगों के ही वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, और अभी जहाँ मैं आई हूँ अभी देखिए एक नंबर प्लेटफॉर्म है और मुझे वहाँ जाना है, वो देख रहे हो, तो वहाँ पे जाना है, उसके बाद देखते हैं। और अभी बहुत भीड़ है, वेट करना पड़ेगा शायद। ठीक है, देख रहे हो मेरा बाल, ट्रेन का ऊपर से सामने खड़ी गई तो इसे छुरी में ऐसा हो गया। तो बंधुरा ये देखो, यही होच्छे वही ज्योतिदीर ज्योति आधिकारी शॉप। ठीक है, हांडी चिकेन एखे पावा जाए, चिकेन कषा फ्राइड राइस पावा जाए। हांडी चिकेन माने हांडी चिकेन रान्ना है, किंतु से ही भावे ना जे रकम देशी चिकेन माने चंपारण चिकेन रान्ना है सरकम भावे जाबें ना, ओई रकम है ना। हांडी चिकेन अपनी गैसे बसिए तारपरे एमनी रान्ना है नाड़ाचाड़ा करे, কিন্তু আপনি জানেন চম্পারণ চিকেন যে রান্না হয় এটার যে একটু রেসিপিটা আছে ওটা আলাদা আছে, ওইটা আমি বাড়িতেও করেছি। চম্পারণ চিকেন আলাদা টেস্ট হয়, মানে সেরকম করেন নাই না, খাইনি যেহেতু, আমি অন্যদের ভিডিওটা যেরকম দেখেছি কি মানে উনি বানাচ্ছেন সেইভাবে বলছি। কিন্তু হান্ডি চিকেন ছিল না, আমি ভেবেছিলাম হান্ডি চিকেন নেব, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলাম তো বললো কি হান্ডি চিকেন এখন হচ্ছে না। যেহেতু দূর থেকে গেছি কিন্তু ভিড় ছিল দোকানে, তো আমি সাইডে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম, ততক্ষণ আমি দূর থেকে শ্যুট করছিলাম, ওনার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি, কেন আমি দূর ছিলাম মানে ওনার সামনে ছিলাম না। এই যে জিনিসটা দেখছি আমি অন্য থেকে ক্লোজ থেকে মানে জুম করে তারপরে ভিডিও করছিলাম, আর ওনার কাছে যাইনি যেহেতু। ঠিক আছে, কেন অনেক দূর থেকে এসেছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে, আমি একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে নিই ভাবছিলাম কি এমনিও তো লাইন পড়ে আছে, একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে নিই তারপরে হয়তো শ্যুট করব। কিন্তু তারপরে যে আমার সঙ্গে হলো সেইটা আপনারা একবার দেখুন কি যখন মানুষরা একটুখানি জানাশোনা হয়ে যায়, নাম জেনে যায় লোকরা, তারপরে এদের যে বিহেভিয়ার হয় সে কি করে চেঞ্জ হয়ে যায়। फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हो इतना दूर से मतलब जो है मैं गई। ठीक है, इतने धूप में एक दिन छुट्टी मिलता है उसमें वीडियो शूट करने जाती हूँ, उस पर ये जो मैडम है जो कि अब वायरल हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे ब्लॉगर को अब कुछ समझती नहीं है, इसने क्या रिप्लाई दिया है कि वीडियो करना मना है। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके जो शॉप है वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं आपसे, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, पूरा इग्नोर किया। ठीक है, और उसके मैं वहीं पे थी कुछ देर में,
कुछ देर मैं वहीं रुकी हुई थी, फिर मैंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप पैक करके दे दो। मैंने सोचा पैक करवा लूँगी, ठीक है घर जाके मैं रिव्यू दे दूँगी या फिर स्टेशन पे बैठ के खा लूँगी, स्टेशन से भी दे दूँगी रिव्यू, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी मैंने उनका वीडियो जो शूट करा था, जो आपने देखा भी है कि वीडियो, वो मैंने थोड़ा सा दूर से, मतलब वो सीढ़ी से उतर के, स्टेशन के सीढ़ी से उतर के और जो शूट करते हुए जा रही थी ना, तो बस वही रिकॉर्ड है, तो उन्होंने दूर से देखा था। ठीक है, वो दूर से जैसे देखा था, मुझे थोड़ा सा लगा था, ये नहीं पता था कि वो बोलेगी कि वीडियो करना मना है, और मैंने ग्रुप में बोल दिया है, और प्लस ये बोले कि किसी को भी मना है, स्टेशन पे अभी वीडियो नहीं होता है। तो ये कमेंट आप कृपया करके मैडम ना करो, क्योंकि आपने ये बोलिए कि आप वीडियो बनाने नहीं दोगे, आप अपने दुकान का, ये पूरे लोगों का लिए मत बोलो, क्योंकि वहाँ पे देखा मैंने अभी दो तीन दिन हुए हैं, श्री जिद्दा का वीडियो देखा है और एक दो और यूट्यूबर है उनका वीडियो देखा है कि वो लोग जाकर जो है हावड़ा स्टेशन पे ही वीडियो शूट करके आए हैं। ठीक है, और क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि सबको मना है। ठीक है, तो मेरा जैसा कि आपको बताया कि मैंने एक दिन छुट्टी मिलता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मध्यमग्राम जाऊं, और जैसा कि आपने जो मेरा वीडियो इससे पहले का देखा है कि जो मैंने मध्यमग्राम का वीडियो डाला है, और इस वीडियो को मैंने सोचा था छोटा बहुत करके ये बता दूंगी कि मुझे जो है वहाँ पे गई और शूट करने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रही, श्रीजीत दा हैं बंगाली यूट्यूबर है, उनका वीडियो देख रहे, उनका ब्लॉग में देखते रहती हूँ, तो श्रीजीत दा का देखी हूँ मैं कि स्टेशन पे वो गए हैं, और अभी दो लोगों का जो एक निरामिष बिरयानी और फ्राइड राइस सेल करते हैं उनका, और एक और है काकी, वो भी निरामिष बनाती है, नहीं वो नॉनवेज बनाती हैं, तो उनका दोनों का उन्होंने रिसेंट दो तीन दिन पहले का, आप लोग अगर कोलकाता से हो, माने तुम्हारा यदि कोलकाता से क्या आचो तो तुम्हारा ठीक देखते पारबे ये जिनिसटा। तो आमार खूब राग हो गया ये जिनिसटा निये, मतलब सत्यि कथा आमी आगेकार अनेक वीडियो देखेछिलाम ओनार। ठीक आछे, आमी बांग्लाते एइजोन्नो बोलछि कि माने जे बांगाली यूट्यूबर गुलो आछे बा बांगाली जे व्यूअर गुलो आछे ओरा जानते पारे माने जिनिसटा कि होयेछे, तो इनि परिष्कार बोले दिलो आमाके कि शूट करा जाबे ना, आर केमनि भावे बोललो सेइटा आपनि देखलेन। ठीक आछे, किन्तु एकटा एइ कथाटाओ बोलुन कि सब जायगा, उनि बोले दिलो कि स्टेशन सब जायगा बारण आछे, आमी बोललाम कि ठीक आछे आपनि कि दोकाने जेते बोलते पारबेन, तो एइखाने उनि इगनोर करलो। तारपरे एकटुखानि पर आमी बोललाम पैक करे दाओ। ठीक है, तो उन्नी बोलछे एकटू दाड़ान बोले कस्टमर छिलो, एटा बोलबो ना कस्टमर छिलो ना, दोकाने कस्टमर छिलो, किन्तु ओदेर थेके आगे एकटू आगे आमी दाड़िये छिलाम। ठीक है, आर आमी बोलछिलाम कि आमार ट्रेन आसछे एकटू दाड़ाड़ी दिये दाओ, दिये दिते पारतो दुजन मानुष छिलो। ठीक है, दिलो ना, ओदेर ब्यापार एटा, एटा निये आमार कोनो माथा घामा नाई, दिलो ना दिलो ना, किन्तु एटा होच्छे कि उन्नी जे परिष्कार भावे बोले दिलो कि कारोर शूट होच्छे ना। हाँ, तो एक कथा बोलते चाहिए कि एरकम जे बोलबेन ना, आपनी जदि ये वीडियो देखें जे कि देखें कानी आमी कि आपनाके टैग करब निश्चय, तो जदि आपनी एटा वीडियो देखें ताले एक कथा बोले दिच्छी, निजेर ब्यापारे शुधु कथाटा बोलुन। ठीक आछे, एबार आमार टाइमटा आपनी नष्ट करलेन पुरोपारि, केन कि आमी ওই দিন অন্য জায়গা মানে পুরো হাওড়া স্টেশনেই ভেবেছিলাম সন্ধে অবধি শ্যুট করে যাব, কিন্তু আপনি আপনার কাছে প্রথম এসি আর আপনি এইটা বলে দিলেন কি কারোর শ্যুট হচ্ছে না, আর আপনি হয়তো পরে এটা মিথ্যেও বলতে পারেন জিনিসটা, এটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু একটা কথা বলতে পারবো কি যারা মানে একটুখানি এগিয়ে যায় না, একটু ভাইরাল হয়ে যায়, সেই মানুষদের একটুখানি যে হয় চেঞ্জ হয়ে যায়, দেখুন আপনারা কি কিরকম চেঞ্জ হয়েছে, সবাই বলে, আমিও ভাবছিলাম কি হয় যদি খুব মাটির মানুষ। ঠিক আছে, নন্দিনীদিকে সবাই এমনি এ করে, কিন্তু নন্দিনীদির হয়তো টাকার দাম আছে খাবার, কিন্তু আপনি যদি ওনার দোকানে যান, নন্দিনীদির কিন্তু কথা সবার সঙ্গে খুব ভালো করে বলে, ব্যবহার খারাপ করে না, এইটা কথা বলবো। ঠিক আছে, আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিও মে, আর তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন, আর আমার একটু বাংলা হিন্দি আজকে মিক্স হয়ে গেছে, কিন্তু একটু রাগে রাগে হয়ে গেছে, রাগের মাথায়। ঠিক আছে, আমি এই জিনিসটার উপরে ভিডিও করতাম না, কিন্তু ওনার জন্যে আমার একদিনটা লস হয়ে গেল পুরো। ঠিক আছে, তাই জন্যে আমি এই কথাটা সামনে আসার এ করেছি, কিন্তু দেখুন আমি গেছি এসে কদিন হয়ে গেছে, তারপরে এই ভিডিওটা আজকে ছাড়লাম, ওই দাদাকে দেখলাম, এমনিও আমার সৃজিতদাকে ভালো লাগে, আমাদের ব্লগারের মধ্যে সৃজিতদা বং ইনশান সবাই ভালো লাগে, তা এদেরকে দেখতে থাকি আমি। ঠিক আছে, তারপরে আমি ওদেরকে দেখে তারপরে বুঝে সুঝে যাই এক একটা জায়গা, এই জায়গাটা আমি এতদিন থেকে দেখছি, কিন্তু আজকে গেলাম অনেকটা টাইম বের করে, তারপরে আমার সঙ্গে এই জিনিসটা হলো, আমার অনেক রাগ ধরেছে, তারপরে আমি যে অক্ষয়দার কাছে গেলাম। বন্ধুরা, এই বিষয়ে আপনারা কি বলতে চাইছেন কমেন্ট
করে জানাবেন নিশ্চয়ই। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওকে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটাকে বেশি করে শেয়ার করবেন, যে এইসব মানুষদের বেশি সাপোর্ট করা মানে ভালো না। যত আমাদের ইউটিউবার আছে আমি বলছি সেইটাই, এদের থেকে ভালো যে দেখো গরিব মানুষরা আছে যে মানে বুড়ো আছে, অনেক বয়স হয়ে গেছে, ওরা রান্না করে খাচ্ছে, ওদেরকে গিয়ে সাপোর্ট করো, ওইটা ভালো। আর আমিও ভাবি কি ওই রকমদেরকে নিয়েই ব্লগ করাটা বেশি ভালো। তো দোস্ত মিলতে হুন নেক্সট ভিডিও মে, তব তক কে লিয়ে বাই, আপনা খেয়াল রাখে, স্বস্থ রহে।